हेलो फ्रेंड्स, कुछ मज़ेदार हो जाए में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाते हैं वेज मंचूरियन, जिसकी मैं बहुत ही आसान सी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी, जो बहुत ही डिलीशियस बन के तैयार होंगे और झटपट बन के भी तैयार होंगे। तो इसके लिए मैंने एक आधा पत्ता गोभी बहुत ही महीन काट लिया है, बहुत ही बारीक पतला काट लिया है। तो जो मैंने एक बड़ा कप लिया है साइज़ में, वो एक छोटे पत्ता गोभी का हाफ था। तो इतना बारीक मैंने ये हैंड चॉपर की मदद से काटा है, इसको चॉप किया है। तो ये एक बड़ा कप भर के हो गया था। इसमें मैंने ये एक बड़ी गाजर, जो भी सेम मैंने उसी चॉपर की मदद से कट कर लिया था, वो भी इसमें ऐड कर लेंगे। साथ ही इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक और उसे थोड़ी देर के लिए साइड में रख देंगे। नमक डालने से इसका पानी इसमें से रिलीज़ हो जाएगा इन सब्ज़ियों का, और वो हमें निकाल देना है, जिससे हम इसमें जो कॉर्न स्टार्च या मैदा यूज़ करेंगे वो कम यूज़ करना पड़ेगा और हमारे मंचूरियन बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार हो जाएंगे। तो इसको रखे हुए साइड में कुछ 5-10 मिनट हो गए थे, इसने पानी भी रिलीज़ कर दिया है। तो हम दोनों हाथों में ये सब्ज़ियाँ ले के और दबा के इसका पानी साइड में निकाल देंगे कुछ इस तरह से, और ऐसे ही सारी सब्ज़ियों का पानी हम निकाल कर तैयार कर लेंगे। तो ये फिर मैंने 2 चम्मच कॉर्न स्टार्च और 2 चम्मच मैदा लिया था, वो भी इसमें मिक्स कर लेंगे। साथ ही मैं थोड़ा सा ब्लैक पेपर ऐड कर रही हूँ, काली मिर्च का पाउडर। ये लहसुन है, जो समझिए एक बड़ा चम्मच मैंने डाला है। थोड़ा सा अदरक, लहसुन उसमें थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा इस रेसिपी में। ये कलर्ड कैप्सिकम्स, बेल पेपर्स मैंने डाले अभी, जो लाल पीले हरे सारे थे मेरे पास, तो मैंने थोड़ा थोड़ा उसको बहुत बारीक चॉप कर लिया था और डाल दिया, और स्वाद अनुसार नमक, और इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। नमक आप थोड़ा कम ही डालिएगा, क्योंकि सब्ज़ी में से पानी रिलीज़ करने के लिए तब हमने इसमें थोड़ा नमक डाला था। तो इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके हम इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे, छोटे बड़े जिस भी साइज़ के आपको बनाने हैं, बट इसको थोड़ा प्रेस करते हुए हम इसके बॉल्स तैयार करेंगे। ये बॉल्स हमारे तैयार हो गए हैं, और ये तेल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था, और इसे मीडियम हॉट ऑयल में हम फ्राई कर लेंगे। तो हम इसे अलट पलट करके फ्राई कर लेंगे। एक बैच को फ्राई होने में 4 से 5 मिनट लग सकता है, तो हम इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। देखिए, ये हमारे बॉल्स, मंचूरियन बॉल्स तैयार हो गए हैं। ये बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। इसे निकाल लेते हैं पेपर टॉवल पे। फिर एक पैन में मैंने एक बड़ा चम्मच तेल लिया है, उसमें मैंने एक बड़ी चम्मच लहसुन का डाला, बारीक कटा हुआ। फ्राई कर लेते हैं उसे थोड़ा सा। थोड़ा सा अदरक डाला है, तो चाइनीज़ रेसिपीज़ में लहसुन थोड़ा ज़्यादा प्रयोग में आता है, उसको हम ज़्यादा डालते हैं। साथ ही मैंने इसमें थोड़ी छोटी सी प्याज बारीक कटी हुई, वो भी ऐड कर ली है, और इन सबको हम फ्राई कर लेंगे कुछ 1-2 मिनट तक। इसमें ज़्यादा सब्ज़ियाँ कुछ भी हमें पकानी नहीं है, तो जैसे ही प्याज 1-2 मिनट सॉटे हो जाएगी, मैंने इसमें कलर्ड बेल पेपर्स और प्याज के क्यूब्स काट लिए थे, वो इसमें ऐड कर लिया है। अभी 1-2 मिनट उसको भी सॉटे करने के बाद मैंने इसमें हरी प्याज डाली है, उसे भी हम साथ में सॉटे कर लेते हैं। फिर हम इसमें सॉसेस डाल लेंगे। तो 1 चम्मच मैंने सोया सॉस डाला है, ये 1 चम्मच विनेगर डाल लेंगे, और 1 चम्मच हम इसमें डाल लेंगे रेड चिली सॉस। मिक्स कर लेते हैं इसे, और इन सॉस के साथ भी हम इसे 1-2 मिनट तक सॉटे कर लेंगे। फिर क्योंकि हम ये ग्रेवी वाला मंचूरियन बना रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा पानी ही डालना होगा हमें। इसमें ब्लैक पेपर और नमक भी स्वाद अनुसार हम डाल लेंगे, और ग्रेवी वाले मंचूरियन के लिए थोड़ा सा पानी भी डाल लेंगे। तो इसकी कंसिस्टेंसी, जितना आपने मंचूरियन बनाया है और कितना ग्रेवी आपको चाहिए, उस हिसाब से आप पानी ऐड कर लें। मैंने लगभग 1.5 कप इसमें पानी डाला है।
तो इसे मिक्स कर लेंगे और एक 2 चम्मच कॉर्नस्टार्च लेके और उसमें पानी ऐड करके स्लरी तैयार कर लेंगे। ये तैयार कर लिया है मैंने और जैसे ही उसमें हल्का बॉईल आने लगेगा हम थोड़ा थोड़ा करके उसे ऐड करेंगे और मिक्स कर लेंगे। इससे इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक हो जाएगी। थोड़ी सी ग्रीन चिलीज डाल देंगे, वो ऑप्शनल है, अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो उसे अवॉइड कर सकते हैं। और जैसे ही इसमें बॉईल आएगा हम हमारे मंचूरियंस जो हमने तैयार किए थे वो इसमें ऐड कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे और तैयार हो गया हमारा वेज मंचूरियन, जो आप फ्राइड राइस या चाउमीन नूडल्स के साथ इंजॉय कर सकते हैं। इसे गार्निश करेंगे फिर से स्प्रिंग अनियन से, हरे प्याज के पत्तों से। दिख रहा है ना एकदम स्ट्रीट स्टाइल, जो कि बहुत ही डिलीशियस बना है और बहुत ही झटपट और इजी रेसिपी है जैसा आपने देखा। तो ज़रूर ट्राई करें ये रेसिपी और इसे गर्मा गर्म इन्जॉय करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।